बोल दो बस। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और गोलू और पंकज दोनों गए हैं मार्केट, थोड़ा सा जल्दी गए हैं क्योंकि आज संडे है बट मंथ एंड है ना, तो पंकज ऑफिस चले जाएंगे, इसके लिए गोलू के साथ थोड़ा सा गए हैं मार्केट, फिश वगैरह लेके आएंगे। और गोलू को आज आर्ट क्लास मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, पंकज का ऑफिस है तो, और रात को भी लेट थोड़ा आएंगे। अब देखिए, कल रात को भी बारिश हो रहा था, कल इवनिंग को भी बारिश हुआ था, कल रात को भी बारिश हुआ था, आधी रात को भी मैं उठी थी तब भी बारिश हुआ था। तो पूरा वो देखिए, वो जो पहाड़ है ना, वाइट वाइट दिख रहा है, पूरा फॉग हो गया जैसा ऐसे दिख रहा है, क्लाउडी की फॉग ही है। तो ऐसा है, यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रहा है, आज धूप आएगा तो लगेगा बाद में, बट अभी तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी गर्मी। बस गोलू और पंकज गए हुए हैं और फिश विश लेके आएंगे कुछ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और ये देखिए फ्लावर जो मैंने लगाया था ना, इस वाला ये मैं, तो यहाँ पे ये एक पहला फूल खिला है, नहीं हुआ था पहले इसमें, तो ये तो पुराना हो गया बिल्कुल, इसका पत्ते भी मतलब गए हैं, खाली फूल ही होता है इसमें। और ये भी नया है, इसमें भी बहुत सारे फूल आ गए हैं, तीन तीन फूल, इसमें भी फूल आए हैं, इधर पूरा फूल आया हुआ है। तो इसमें लेकिन ज़्यादा आता है फूल, बट इसका पत्ता नहीं है अब एक भी, ये पूरा मतलब पता नहीं, इसको निकालना पड़ेगा शायद, फिर से नया लगाना पड़ेगा, तो क्या होना पड़ेगा, ये सब लटक गया है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि, लेकिन इसके पत्ते भी बहुत ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, अच्छा लगता है ये वाला। तो बस पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और उसके बाद गोलू आ जाएगी, उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज खाली फिश मार्केट ही खुला होगा और कुछ भी नहीं खुला होगा ना इसके लिए। देखिए उधर से बिल्कुल अंधेरा करके आ रहा है, आसमान भी बिल्कुल अंधेरा टाइप का करके आ रहा है, और वो जो पहाड़ है वो भी थोड़ा सा दिखना कम हो गया है, बारिश आएगा कि क्या पता नहीं, बारिश आएगा तो दिखा दूंगी, नहीं आएगा तो बोल दूंगी नहीं हुआ सब में बारिश। ठीक है, पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि गोलू आ जाएगी ना तो मांगेगी ब्रेकफास्ट। अभी मैं वीडियो बना रही थी ना, तो नीचे से फोन किया है, वो लोग हैं तब से नीचे ही हैं, गाड़ी का चाबी लेके, बोला कि गाड़ी का चाबी लेके आ, वो लोग बाइक से जाने वाले थे, बाइक काफी दिन से बंद था तो बाइक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इतना देर से मैं वीडियो बना रही थी, वो लोग बाइक स्टार्ट कर रहे थे नीचे, तो बोला कि गाड़ी का चाबी लेके आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो मैं भी ऐसे ही ट्राउजर पहन लिया है, मैं भी जा रही हूँ, आ जाऊंगी। ये मैगी बन रहा है गोलू के लिए, प्लेन मैगी है, और पंकज भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं, मंथेंड है तो जल्दी चले गए हैं, तो गोलू के लिए ये मैगी बन रहा है और बॉयल्ड एग बनाया है, तो गोलू बस यही से ब्रेकफास्ट करेगी और उसके बाद उसको मैं आर्ट क्लास के लिए भी लेके जाने वाली हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रहा है और अभी आ गई हूँ मैं, गोलू का लेके गई थी तो वहाँ पे एक घंटा का होता है उसका आर्ट क्लास, तो मैं वहाँ पे वेट करती हूँ और जाके उसको छोड़ती हूँ, वो अपना करती है, फिर मैं वेट करती हूँ और ख़त्म होने के बाद उसको लेके आती हूँ।
तो अभी आते आते भी काफी टाइम हो गया, बारिश हो रहा था ना, तो टोटो मिलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है। तो आज ये सब पीस में बना दूंगी और माथा और लांजी रख दूंगी, बाद में बना दूंगी कभी। तो पीस को मेरे लिए फ्राई कर लेंगे और मैं आज इजी रेसिपी एक बनाऊंगी और एक ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और गोलू को भूख लगी है। तो फिश को पहले मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और बाकी जो ऑयल बचा था उसमें मैंने ये थोड़ा सा सूखा मिर्च और 5 फोरन डाला, और ये पेस्ट है मस्टर्ड और जीरा। जीरा को मैंने पीस लिया था, मस्टर्ड और जीरा को, जीरा बस 1 चम्मच डाला था और मस्टर्ड मैंने 3 चम्मच डाला था, उसको मैंने पीस लिया था। ऑनियन, जिंजर, गार्लिक कुछ भी नहीं डाला है, बस और जीरा और सरसों डाल को ही ग्राइंडिंग करके इस मसाले में बनाया जाता है। तो उसको बस ऑयल में डालना है, बस 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, लो या मीडियम हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि सरसों को अगर आप थोड़ा हाई हीट पे और ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो कड़वा हो जाता है। और बस तो 1-2 मिनट उसको फ्राई करके ऑयल में उसके ऊपर पानी डाल देना है, आपको जितना पानी चाहिए आप उतना पानी डालिए। तो मैं तो एक ही सब्जी बना रही हूँ तो झोल अच्छे से बनाऊँगी थोड़ा ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने ये सूखा आम जो होता है वो मिलता है मार्केट में, ये मैं घर से लेके आई थी, मेरी मम्मी ने बना के दिया था। और ये आलू और फिश मैंने पहले से फ्राई करके रखा था, जब पानी अच्छे से 5 मिनट के बाद अच्छे से बॉयल हो जाए तब ये सब फिश और आलू इसमें डालना है। इसको ढक के पकने के लिए छोड़ना है 5-10 मिनट, और उसके बाद बस ये रेडी हो जाएगा। देखिए ये रेडी हो गया है। और अगर जो आपका ड्राई मैंगो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो तो आप उसको थोड़ा सा मैश कर दीजिए तो वो और अच्छा लगेगा। और ये गोलू को बहुत पसंद है इसीलिए मैंने बना दिया है। आज बहुत लेट हो गया है तो बस आज एक ही सब्जी है वही खाएंगे, पंकज तो है नहीं, हम दोनों ही है खा लेंगे। तो बस ये है आज का हमारा लंच, और काफ़ी लेट हो गया है बनाते बनाते भी, गोलू मांग रही है कब से खाने के लिए। अभी इवनिंग हो चुका है और संडे है, पंकज ऑफिस गए हैं, गोलू को घूमने जाना है, रो रही थी तो उसको लेके मैं जा रही हूँ। बोल रही है पाव भाजी खाएगी, मिलेगी तो खाएगी नहीं तो कुछ और, बस घुमा के ले आऊंगी। चलो जाए, चलो तो ये गणेशगुरी मार्केट है, हमारे घर से पास है, टोटो में बस जाना होता है, 2 बार 2 टोटो चेंज करना होता है तो बस गणेशगुरी मार्केट पहुंच जाएंगे। स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पे, सब स्ट्रीट मार्केट में जो सब मिलता है वो सब मिलता है, चप्पल, कपड़े, बैग, जूते, जो भी सामान होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी ये सब सामान है वो सब मिल रहा है। अभी गर्मी है इसीलिए छोटा छोटा फैन भी मिल रहा है, बहुत सारे ये झुमके मिल रहे हैं, मैंने भी देखा लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया यहाँ से। ज़्यादा अच्छा जो भी मतलब ज्वेलरी के आइटम्स ऐसा है ना, वो फैंसी बाज़ार में अच्छा मिलता है। और ये सब बेम्बो का ये से बना हुआ वो सब भी मिलता है यहाँ पे, सब मिलता है जो 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 नॉर्मली स्ट्रीट मार्केट में जो सब मिलता है ये गणेशगुड़ी मार्केट में वो सब मिलता है। तो गोलू को पाव भाजी खाना था, पाव भाजी तो हमको नहीं मिला, बस हम लोग आइसक्रीम और पानी पूरी ये सब वगैरह खा के आ गए रिटर्न घर, क्योंकि गोलू का 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा वैसे उसका हो गया है जो भी एग्ज़ाम में मतलब दिया है मैम ने, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए वरना भूल जाते हैं बच्चे। तो बस हम लोग थोड़ा सा घूम के फिर हम लोग घर रिटर्न आ गए, और दिन में बहुत बारिश हो रहा था, रात को बारिश छूट गया था। अभी हम लोग आ चुके हैं और गोलू थोड़ा सा अपना होमवर्क कंप्लीट हो गया है, उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है बस ऐसे ही। फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे का जो होमवर्क आया था मैंने फ्राइडे नाइट को ही, जिस दिन का होमवर्क आता है उसी दिन रात को मैं करा देती हूँ, तो फ्राइडे को लास्ट आया था तो फ्राइडे नाइट को करा दिया था उसका होमवर्क। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखना सीख गए, अभी कर्सिव लेटर लिखना सीख रही है, पूरा नहीं सीखी है, एच तक सीखी है, कैपिटल और स्मॉल दोनों में एच तक ही सीखी है, बाकी सीख रही है धीरे धीरे। तो बस आज हम लोग गए थे, संडे को वो जाती है थोड़ा घूमने के लिए, बारिश ना हो तो जाती है गुल्लू घूमने के लिए, तो गई थी आज मेरे साथ, पंकज का तो मंथ एंड लेट को आएंगे, तो हम दोनों गए थे यहाँ पे थोड़ा, मैं यहाँ का हमारे घर से पास का जो मार्केट है वो है गणेशपुरी मार्केट, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। थोड़ा सा मैंने भी कुछ सामान लिया है, बस 2-4 सामान लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो मैं
आज का ब्लॉग में तो नहीं डालूंगी, और क्या लिया है कल का ब्लॉग में मैं दिखा दूंगी क्या लिया है मैंने। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करूंगी, बट एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक इरेजर गुल्लू के लिए मैंने लिया है। बचपन में हमारे मम्मी पापा भी ऐसे लाते थे, इस टाइप का हम उड़ीसा में मिलता था बहुत उस टाइम पे, जो पीनट होता है बादाम के शेप का ऐसा, उस टाइप का, वाटरमेलन का, स्ट्रॉबेरी का वैसे, और बहुत मतलब सेंटेड सेंटेड होता था। इसका तो कुछ स्मेल नहीं है, बट आइसक्रीम वाला एक ये मुझे मिला था, एक मॉल में मिला था, एक ही था मतलब इसी शेप का ही था शार्पनर, और ये पैर में था तो मुझे मिला, देखा तो मैं ले आई इसके लिए, इसको वो यूज करती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से खत्म हो गया है। तो बस ये एक ही मिला है। इस बार सोच रही हूँ कि उड़ीसा जब जाऊंगी अगर मिलेगा वहां से इसके लिए इरेजर बहुत सारा लेके आऊंगी, इस मतलब डिजाइन शेप का, और इरेज भी अच्छे से होता है, ऐसा नहीं कि खाली डिजाइन है इरेज नहीं होता है, कुछ अच्छा होता है इसे भी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपसे मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।